परंतु जो संदेह करके खाता है वह दंड के योग्य ठहर चुका, क्योंकि वह निश्चय धारणा से नहीं खाता, और जो कुछ विश्वास से नहीं वह पाप है। प्रेज द लॉर्ड। डिवाइन ऑफ पावर मिनिस्ट्री में आप लोगों को स्वागत करते हैं रात्रि काल की प्रार्थना में। आइए हम मिलकर जीवते खुदावन को धन्यवाद बोलेंगे जिसने हमें पूरे दिन संभाला। प्रभु की करुणा और दया है कि हर रोज हम प्रभु के चरणों में पाए जाते हैं। प्रभु यीशु, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु आपने अपने दास को और मुझे एक बार फिर किया कि मैं आपसे विनती कर सकूँ आपके लोगों के लिए। परमेश्वर मेरे यीशु, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ मेरे खुदा कि आपने सुबह से लेकर अभी तक संभाला। आप महान पिता परमेश्वर हो। पवित्र आत्मा, मैं आपको धन्यवाद करती हूँ। सच्चे परमेश्वर की जय हो। यीशु राजा, आपको धन्यवाद स्तुति। अब दयालु परमेश्वर, आप आशा के परमेश्वर हो, आप वाचा के परमेश्वर हो, आप सच्चे परमेश्वर हो, पवित्र परमेश्वर हो। मैं आपको धन्यवाद स्तुति देती हूँ। धन्यवाद स्तुति हो मेरे यीशु राजा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद स्तुति प्रभु। मैं अपने घुटनों को आपके समीप टिकाती हूँ प्रभु, और मैं आपसे प्रभु जी मांगती हूँ, आज जो कुछ मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु करूँ आपके लोगों के लिए प्रभु, अपने भाई बहनों के लिए प्रभु, आज आप सुनिए और उत्तर को दीजिए। हालेलुया, धन्यवाद स्तुति, धन्यवाद हो मेरे यीशु, धन्यवाद करते हैं। आइए मेरे प्रियो, हम देखेंगे वचन, हम वचन को देखेंगे, हम देखेंगे भजन संहिता 5, और हम सब साथ में मिलकर पढ़ेंगे। सुरक्षा के लिए प्रार्थना है। यहोवा, मेरे वचनों पर कान लगा, मेरे कारहाने की ओर ध्यान लगा। हे मेरे राजा, हे मेरे परमेश्वर, मेरी दुहाई पर ध्यान दे, क्योंकि मैं तुझी से प्रार्थना करता हूँ। हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी सुनाई देगी, मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बात जोहूंगा, क्योंकि तू ऐसा ईश्वर नहीं जो दुष्टता से प्रसन्न हो। बुराई तेरे साथ नहीं रह सकती, घमंडी तेरे सम्मुख खड़े होने ना पाएंगे। तुझे सब अनर्कारियों से घृणा है, तो उनको जो झूठ बोलते हैं नष्ट करेगा। यहोवा हत्यारे और छली मनुष्य से घृणा करता है। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु इन वचनों के लिए। मैं आपको धन्यवाद तुझे देती हूँ प्रभु जी, मैं आपको धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद यहोवा, तू महान है, और हर समय प्रभु तूने अपने और बेटे और बेटियों को संभाले रखा प्रभु, और तेरे प्रभु जी क्रूस पे चढ़ने के द्वारा हर एक लोग प्रभु जो पाप में थे, जो पाप में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे थे, आपने उनके पापों को क्षमा करके उन्हें एक बार और जीवन को दे दिया, ताकि हर कोई उस पाप से फिर कर आपकी ओर मुड़ने पाए। तो आज इस समय प्रभु जब मैं प्रार्थना करूंगी, तो हर एक रोग अपने जुबान को खोलिए, मेरे साथ प्रार्थना कीजिए कि प्रभु हम तो पापी मनुष्य हैं, आप हमें अपने लहू में धोकर शुद्ध कीजिए, अपने लहू में धोकर शुद्ध कीजिए। चाहे वो हमारी सोच हो, चाहे वो हमारे विचार हो, हमारे शब्दों को प्रभु जी आप अपने लहू से धोकर शुद्ध करिए, और प्रभु जो कार्य आपने हमें दिया है वो कार्य हम करने पाए। हालेलुया, इस समय मैं प्रार्थना करूंगी प्रभु, बहुत सारे लोग प्रभु जो बीमारी में पड़े हैं प्रभु, बीमारी में है प्रभु, उन पर अपना अनुग्रह कर, वो कुमला गए हैं प्रभु, उनको चंगा करके, उनकी हड्डियों में जो बेचैनी है प्रभु, उनमें उनको चंगा कीजिए, उनको चंगा कीजिए, क्योंकि मृत्यु के बाद तेरा स्मरण नहीं होता, अधोलोक में कौन तेरा धन्यवाद करेगा। ओ प्रभु यीशु, जो वेंटिलेटर पे है, जो आईसीयू में है, जिन्हें डॉक्टर ने जवाब दे दिया, या जिन्हें डॉक्टर बोल रहे कि अब हमारे हाथों में कुछ भी नहीं है, अब सिर्फ मिरेकल ही हो सकता है, तो मिरेकल करने वाले सिर्फ और सिर्फ आप ही परमेश्वर हो, आप ही यीशु राजा कर सकते हो। आज आप कीजिए, आज आप कीजिए। ये प्रार्थना सिर्फ शब्दों की प्रार्थना ना हो, ये प्रार्थना सच में प्रभु देहधारी हो प्रभु, वो कार्य कर वापस लौटने वाली प्रार्थना हो प्रभु। आज आपको
कार्य करना होगा, आज आपको कार्य करना होगा। परमेश्वर यीशु राजा, आज मैं आपसे विनती करती हूँ, आपसे मैं विनती करती हूँ, आज आपको हमारी प्रार्थना की ओर अपने कानों को लगाना होगा, सुनकर उत्तर को देना होगा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे ही अधर्मों कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से जो रोगी है वो चंगे हो गए। ओ प्रभु यीशु, ओ जो रोगी है वो चंगे हो गए यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से हर रोग आपके बेटे बेटियों के शरीर से दूर हो जाए, हर रोग आपके बेटे और बेटियों के शरीर से दूर हो जाए। वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है और जिस गड्ढे में वो पड़े हैं उनसे वो निकालता है। आप विश्वास रखिए, आप जिस बीमारी में पड़े हैं परमेश्वर आज आपको निकालेंगे, निकालेंगे। प्रभु का वायदा है, जहां कहीं आपको दिक्कत है उस स्थान पे अपने हाथ को रखिए और आप चंगाई को पाएंगे, आप चंगाई को देखेंगे अपने जीवन में यीशु मसीह के नाम से। सारा बीमारी आज आपके बेटे बेटियों के शरीर से निकलने पाए यीशु के नाम से हम कमांड करते हैं, यीशु के नाम से कमांड करते हैं। और प्रभु इस समय मैं प्रार्थना करती हूँ, जितने जवान प्रभु यीशु शादी के इंतजार में है, ओ प्रभु यीशु उनके माता पिता अपने बच्चों के मैरिज के इंतजार में बैठे हैं, उनके लिए प्रभु एक सुटेबल लाइफ पार्टनर नहीं मिल रहा, जो सहायक नहीं मिल रहा, प्रभु वो सहायक जल्द से जल्द हर बेटे और बेटियों के जीवन में आने के लिए अनुग्रह करिए, ताकि वो आपको महिमा दे, आपको जय जयकार बोले प्रभु। और जो सहायक आपने बनाए उनके जीवन में आने के लिए अनुग्रह करिए। और जिनके पास बच्चे की आशीष नहीं है, जिनके पास प्रभु जी बच्चे की आशीष नहीं, बहुत दिनों से वो निराश में है, ओ प्रभु उनके नाम धराई को दूर कीजिए, नाम धराई को दूर कीजिए और बच्चे की आशीष को दे दीजिए। बच्चे की आशीष खोलिए, बच्चे की आशीष को खोल दीजिए। हालेलुया, रक्तम जयम आप कीजिए, हर एक बंद को खुलने पाए यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। ऐसे ही मैं प्रार्थना करती हूँ जिनकी डिलीवरी है परमेश्वर, ओ मेरे यीशु मेरे खुदावन, उनको अपने हाथों में लेकर संभालिए और नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए अनुग्रह करिए परमेश्वर, अनुग्रह कीजिए मेरे सच्चे यीशु राजा। ये सिर्फ और सिर्फ आप ही कर सकते हो प्रभु, आप ही हो जो सब कुछ कर सकते हो। हालेलुया, ऐसे ही मैं प्रार्थना करती हूँ जितने बच्चे प्रभु, ओ मेरे यीशु, जितने बच्चे स्टडी कर रहे हैं, चाहे वो घरों में रहकर कर रहे हो, चाहे वो ऑनलाइन कर रहे हो या बाहर स्कूल जाकर कॉलेज में जाकर, ओ प्रभु हर एक बच्चों पर आपकी सुरक्षा मांगती हूँ। और प्रभु बच्चे हर बुराई से मुड़ने पाए और आपके वचनों में आपके डिडोल में पढ़ने वाले हो प्रभु जी, हर बच्चों को अपनी बुद्धि समझ और ज्ञान से भर दीजिए। ऐसे ही मैं प्रार्थना करती हूँ जितने लोग प्रभु कर्जे में है या बंधवाई में है प्रभु, आज उनको कर्जे से निकालिए, बंधवाई से छुटकारा दीजिए, क्योंकि यीशु राजा स्वतंत्र करने के लिए आया, तो उनको स्वतंत्र कीजिए, स्वतंत्र कीजिए। हर एक बंधवाई में पड़े हुए लोगों को स्वतंत्र करिए। अगर कोई विश्वासी अकेला घर में विश्वासी है प्रभु, ओ मेरे यीशु आज आप मदद करिए, पूरा का पूरा उनका घर उद्धार पाने पाए, पूरा का पूरा घराना उद्धार पाने पाए। ओ प्रभु आप करिए, आप कीजिए, आप ऐसे करने वाले परमेश्वर हो, आप सच्चे परमेश्वर हो, आप सब कुछ करने वाले परमेश्वर हो। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया हालेलुया। और जिस किसी को प्रभु घर घर की जरूरत है, गाड़ी की जरूरत है प्रभु, जो वीजा लगाना चाहता है या प्रभु जिन्होंने योजनाएं बनाई है, क्योंकि योजनाएं तो मनुष्य बनाते हैं परंतु सफलता सिर्फ और सिर्फ यीशु राजा की ओर से मिलती है, यहोवा की ओर से मिलती है, तो उनके जीवन में सफल दीजिए, सफल कीजिए प्रभु, उनके हर एक मन की इच्छाओं को पूरा कीजिए। अब तक तुम मेरे नाम से मांगो, नाम से कुछ नहीं मांगो, मांगा मांगो तो तुम पाओगे, तुम्हारा आनंद पूरा हो जाएगा, ये परमेश्वर का वायदा है मेरे प्रियो। परमेश्वर चाहते कि तुम मांगो ताकि वो आपके जीवन में करे, वो करना चाहते हैं, इसलिए अपने जुबानों को खोलिए और बोलिए कि प्रभु हम ये चाहते हैं, आप कीजिए और वो जरूर करेंगे। ऐसे ही प्रभु जी मेरे सच्चे परमेश्वर, जितने लोगों का घर बन रहा है प्रभु, घर बनने के लिए अनुग्रह कीजिए, अनुग्रह करिए मेरे खुदावन, मदद कीजिए। और जितने लोग प्रभु जी जॉब नहीं है जिनके पास, उन सब के लिए अच्छी जॉब का इंतजाम आप करके दीजिए, अच्छी जॉब का इंतजाम यीशु राजा आपकी ओर से हो जाए। जो लोग बिजनेस करते प्रभु, या जो लोग वो योजना बना रहे बिजनेस करने के लिए, उनके लिए मार्ग को खोल कर दीजिए। और जिन लोगों का बिजनेस है प्रभु, वो बहुत अच्छे से चलने के लिए अनुग्रह करिए, ताकि वो आपके राज्य में अपने हाथों को बढ़ाए
पाए और आपका राज्य परमेश्वर आगे बढ़ने पाए। ओ प्रभु यीशु, जो आपने आज्ञा दी है कि वो आज्ञा को अपने आपके बेटे पूरा करने पाए और जो कुछ उनका दसवां हिस्सा है वो लाने पाए, वो दसवां हिस्सा चाहे उनका समय हो, चाहे उनका प्रभु जी सैलरी हो, चाहे उनका प्रभु धन हो, खाने की चीज, हर चीजों आशीष दो और वो चीजें तुम्हारे लिए आशीष भरा होगा और जब तुम उन्हें खाओगे, पहनोगे, उसे यूज करोगे, वो ब्लेसिंग से भरा होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया करेंगे, क्योंकि परमेश्वर जो अपने वायदे को पूरा करता है, जो वायदा आपके विषय में कर रखा है वो जरूर पूरा करेगा। और डिवाइन ऑफ पावर मिनिस्ट्री के साथ जितने लोग जुड़े हैं प्रभु, जितने लोग मिलकर सेवा कर रहे हैं, सबको ब्लेस कीजिए, सबको ब्लेस कीजिए, एक मन की आत्मा दीजिए, हम सब एक मन होकर पूरे संसार को हिलाने वाले हो और आपके सुसमाचार को पृथ्वी के छोर तक ले जाने वाले हो प्रभु, और जहां आप हमें ले जाना चाहते हैं वहां हम जाएं और आपके वचनों को बांटने वाले हो परमेश्वर। आप कीजिए जिन घरों में प्रभु आज शांति है, आज अपनी शांति को दीजिए, एक एक लोग आपकी शांति से भरने पाए, आप मदद करिए, मदद कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। और डिवाइन ऑफ पावर मिनिस्ट्री में जितने लोग अपने हाथों को बढ़ाते हैं उनके जीवन में 100 गुना फल दीजिए, और जो लोग सोच रहे हैं वो देने पाए, और जो लोग देने में अक्षम हैं उनको इतना आशीष दे कि अपने हाथों को बढ़ाए परमेश्वर, और जो भी दे सच्चे हृदय से दे। हालेलुया। और जो भी हमारा विडो मिनिस्ट्री, स्लम मिनिस्ट्री, चिल्ड्रन मिनिस्ट्री चल रहा है प्रभु, इन्हें भी अनुग्रह कीजिए, मदद कीजिए, इन बच्चों की हर जरूरतों को आप पूरा कीजिए। सारी प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते सुनिए और उत्तर को हर एक लोगों के जीवन में दीजिए। आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। इस प्रार्थना को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस यू, गुड नाइट।